नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं श्री हनुमान जी की साधना विधि, जिसको करने से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भगवान शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, देवता हैं, जिनको प्रसन्न करना बहुत ही सरल व आसान है। श्री हनुमान जी का अगर आप राह चलते मात्र नाम ही स्मरण करते हैं तो सारे संकट व बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्री हनुमान साधना आप किसी भी शुभ मुहूर्त या शुक्ल पक्ष के मंगलवार या श्री हनुमान जयंती के दिनों में कर सकते हैं। श्री हनुमान साधना प्रातः 4 बजे से 7 बजे के मध्य आप करें, सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य संपन्न करें। इसके लिए जो सामग्री होगी वो हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा होगी, सिद्ध हनुमान जी का यंत्र होगा, मूंगे की माला होगी, धूप बत्ती होगी, दीपक होगा और पुष्पों की आपको जरूरत पड़ेगी। इसकी विधि को ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले साधक स्नान आदि से फ्री होकर साफ वस्त्र धारण कर ले, हो सके तो लाल वस्त्र ही पहने, ज्यादा अच्छा होगा। अपने घर के पूजा स्थल में उस स्थान की साफ सफाई करके गौमूत्र और गंगा जल मिलाकर पूरे पूजा स्थल के कमरे में छिड़क कर उसको पवित्र कर ले। उसके बाद उत्तर मुखी या पूर्व मुखी लाल आसन पर बैठकर अपने सामने एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा और उनका सिद्ध यंत्र स्थापित करें। फिर उसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें और धूप दीप चावल पुष्प से भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित करके श्री हनुमान साधना के लिए संकल्प लें। श्री हनुमान जी की साधना की संकल्प विधि ध्यान सुनिएगा। पूजन शुरू करने से पहले जब भी आप संकल्प लें, संकल्प करने से पहले अपने हाथों में जल लें, फूल लें और चावल लें। संकल्प में जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं उस दिन का वर्ष, वार, तिथि और उस जगह अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें। अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी का ध्यान करके पूजन करें। आप सभी लोग ये मंत्र जानते हैं, अतुलित बल धारम स्वर्ण सैलाब देहम धनुज मन प्रसानम। ठीक है, इसको आप संपन्न करके मूंगे की माला से नीचे दिए गए मंत्र की 23 माला जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तो 11 दिनों तक करें और मंत्र उच्चारण करने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। अब जो मैं मंत्र आपको नीचे दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी की साधना सिद्धि का मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम ओम फट, अथवा आप इसको ओम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धि मतां वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, अथवा ओम हुम सौ हनुमते हुम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह साधना 11 दिनों की है और जब यह साधना आपकी पूरी हो जाती है तब आपने जितने भी मंत्र का जाप किया उस मंत्र का दशांश यानी 10% भाग आप हवन अवश्य करें। हवन में शुद्ध घी एवं हवन सामग्री को मिलाकर आहुति दें और ऐसा करने से साधक की श्री हनुमान साधना पूर्ण हो जाती है और साधक के ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान साधना के नियम को ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी की साधना करते समय शुद्धता एवं पवित्रता अनिवार्य है। श्री हनुमान जी की पूजन में प्रसाद शुद्ध घी का बना होना चाहिए। श्री हनुमान जी को तिल के तेल में मिले हुए सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए।
श्री हनुमान जी को तिलक केसर के साथ लाल चंदन मिलाकर लगाना चाहिए। श्री हनुमान जी के पूजन में पुष्पों में लाल पीले बड़े फूल अगर आप अर्पित करते हैं बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा कमल गेंदे सूर्यमुखी के फूल अर्पित करने पर भी प्रभु बजरंग बली प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हनुमान जी को प्रसाद के रूप में भोग के रूप में आप गुड़ नारियल का गोला लड्डू दोपहर में गुड़ घी और गेहूं की रोटी का चुनवा अर्पित कर सकते हैं। रात में आप फलों में आम अमरूद केला आदि फलों का भी प्रसाद अर्पित करें। श्री हनुमान साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अनिवार्य है। हनुमान जी को जो भी प्रसाद नैवेद्य आप अर्पित करते हैं उसे साधक को भी ग्रहण करना चाहिए। श्री हनुमान जी के मंत्र हमेशा बोलकर जपकर किए जाए। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष हमेशा उनके नेत्रों की ओर देखते हुए मंत्रों के जप करना चाहिए। श्री हनुमान जी की साधना में दो प्रकार की मालाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप सात्विक कार्य संबंधी साधना करते हैं तब आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें और तामसिक एवं प्राकृतिक कार्यों के लिए मूंगे की माला से करें। श्री हनुमान जी की साधना पूर्ण आस्था श्रद्धा और सेवा भाव से की जानी चाहिए। मंगलवार श्री हनुमान जी का दिन है, इस दिन अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए और इसके अतिरिक्त शनिवार को भी हनुमान पूजन विधि का विधान है। श्री हनुमान साधना से ग्रहों का अशुद्ध और अशुभ प्रभाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। हनुमान जी और सूर्यदेव एक दूसरे के स्वरूप है, इनकी परस्पर मैत्री अति प्रबल मानी गई है। इसलिए हनुमान साधना करने वाले साधकों में सूर्य तत्व अर्थात आत्मविश्वास बोध तेजस्विता आदि विशेष रूप पाए जाते हैं और यही तेज साधक को सामान्य व्यक्तियों से अलग करता है। श्री हनुमान साधना में जो ध्यान किया जाता है उसका विशेष महत्व है। श्री हनुमान जी के जिस भी स्वरूप का आप ध्यान करें वैसी मूर्ति अपने मन में स्थिर करें और इस तरह का अभ्यास करें कि नेत्र बंद कर लेने पर भी वही स्वरूप दिखता रहे। इस तरीके से आप हनुमान साधना करेंगे, मैंने इसमें संपूर्ण विधि बता दी है और अगर आप इस हनुमान साधना को पूर्ण करते हैं तो आपके जीवन के दुख दूर होंगे, सारे संकट आपके आसानी से हर लिए जाएंगे और आपके हनुमान साधना सिद्ध भी हो जाएगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जो लोग पहले से हैं वो लोग भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने कुछ सीखा है तो आगे भी ऐसी मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें, जिससे आगे भी और खूब सारी वीडियो में बनाता रहूंगा। अभी के लिए मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।